जिन्होंने नारी को सम्मान, दलितों को जवान और भारत को संविधान देने का काम किया, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और इस देश में दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को एक आवाज देने का काम किया बहुजन समाज पार्टी बनाकर, हमारे रहनुमा मानवर कांतिराम साहब, उनको नमन करते हुए और मंच पर आसीन जितने भी मेरे महानुभाव हैं और सामने उपस्थित जो भी मेरी जनता जनार्दन है, उनका बहुजन समाज पार्टी के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आपको पता है यह शिविर बहुजन समाज पार्टी द्वारा रखा गया है और मैं स्वागत करूंगा हाथरस की अनुमान शाम हमारे ब्राह्मण समाज से अभिन शर्मा जी, जिनका बहुजन समाज पार्टी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा दुख होता है जब हमारे वकील साहब आए अलीगढ़ से, सागर जी हमारे कैबिनेट सेक्टर का अध्यक्ष कौन है, विधानसभा का कौन है, लेकिन दुख तब होता है जब जिला पंचायत का चुनाव होता है या छोटा मोटा चुनाव होता है। अब तो कार्यकर्ता को पूछा जाता है लेकिन तब क्यों नहीं पूछा जाता है। जब ऐसे ऐसे दलालों को, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया जाता है, बड़ा दुख होता है। वोटरों को भी दुख होता है, कार्यकर्ताओं को भी दुख होता है। और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो पुराने जो मंत्री रहे, विधायक रहे पार्टी में, उनकी दलाली में उनकी बड़े बड़े सुरत मतलब अपने रखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेता बनाने का काम करती है, हम किंग मेकर हैं। मैं अपने समाज से बताना चाहता हूँ कि हम किंग मेकर हैं और हम किंग अगर रामवीर उपाध्याय को भी बना सकते हैं तो ये वो दलाल भूल जाए जो रामवीर उपाध्याय के यहाँ दंडवत करते थे और रामवीर उपाध्याय के गुलामी करते थे। उनको बता देना चाहता हूँ कि हम अभी शर्मा जी को भी मंत्री बना सकते हैं, विधायक भी बना सकते हैं। आप हो तो न जाने कितने रामवीर उपाध्याय आए और रामवीर उपाध्याय गए। आप अपनी ताकत को पहचानो। और कुछ दलाल किस्म के लोग हैं पार्टी में, देखते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहनजू को मुख्यमंत्री बनाना, बस ये ध्यान रखना है आपको। और इस देश में ऐसी सरकार चल रही है मात्र गुमराह करने का काम कर रही है लोगों को, और लोगों के जो चश्मा लगा हुआ है कुछ दिनों में उतरने वाला है, क्योंकि बहन जी के शासनकाल को लोग याद कर रहे हैं। जिस तरह से बहन जी का शासन था, शासन प्रशासन, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित थी। आपको बता देना चाहता हूं इस समय पर बहुत बड़े लेवल पर दलित समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार और जुर्म हो रहा है। आज कुछ युवाओं को भी बरगलाने का काम हो रहा है, एक संगठन बना हुआ है। हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, कहते हैं कि बहन जी वहां पर क्यों नहीं जाती हैं, हर जगह क्यों नहीं जाती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहन जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है और आपकी जिम्मेदारी है। आपको बता देना चाहता हूं, माननीय साहब कहते थे कि जिस कौम का राजा होता है उस कौम की बहन बेटियों की तरफ कोई छेड़खानी तो बहुत दूर की बात है, आग उठाने वाला पैदा नहीं होता। आप बहन जी को मुख्यमंत्री को बना के तो देखिए, अगर मैं बता देना चाहता हूं भूल गई जैसा तो कहां हो जाएगा केस। आपकी तरफ कोई नजर उठा के देखने वाला पैदा नहीं है। तो जो कौम शासक जमात होती है मजबूत होती है, हमेशा शोषण कमजोरों को होता है, क्योंकि बलि बकरों की दी जाती है शेरों की नहीं, ये हमको समझना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ और एक बार मैं पुनः माननीय अरविंद शर्मा जी का बहुजन समाज पार्टी में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करता हूं। और आप सभी क्षेत्रवासियों से और जो सादाबाद विधानसभा की जनता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि टिकट
अरविंद शर्मा जी को वैसे हम कह रहे हैं मिल जाए तो अच्छी बात है, वैसे मिली सी है। तो समस्त जनता से मेरा निवेदन है कि मजबूती से एक बार अरविंद शर्मा जी के साथ आप खड़े हो, और मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भी नमो बता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया मन भैया।